दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम हटकर अलग टाइप की ग्रेवी के साथ शाही पनीर की सब्जी, जिसको मैंने होटल स्टाइल में बनाकर तैयार किया है। इस रेसिपी को देखने के बाद आज से ही आपकी पनीर की सब्जी होटल स्टाइल में बनने वाली है। शाही पनीर को बनाने का तरीका एकदम अलग है, यह तरीका आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। हेलो दोस्तों, फिर कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अलग तरीके से बनी ग्रेवी के साथ शाही पनीर को कैसे बनाया जाता है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए आपको टमाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टमाटर लेने हैं। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इसके साथ साथ आपको लेनी है 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। ग्रेवी बनाने के लिए सब्जियाँ आपको बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। अब मैं इन सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। अगर आप अपनी सब्जी को प्याज के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1 बड़े साइज की प्याज और लेनी है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिसका वजन 60 ग्राम के करीब है। हमारी इस रेसिपी में शाही पनीर की सब्जी 4 से 5 लोगों के लिए बनकर तैयार होगी। क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। सभी सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करने, जितने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े होंगे सब्जी उतनी ही जल्दी अच्छी तरीके से पक जाएगी। इन सबको कट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इन सबको करना है एक प्लेट में। शाही पनीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ घर का बना हुआ पनीर। यह मेरा 500 ग्राम यानी कि 1/2 किलो पनीर है। मैं इसमें से 1/2 पनीर यूज करूंगी, यानी कि 250 ग्राम पनीर मैं कट कर रही हूँ। शाही पनीर बनाने के लिए पनीर आप घर का बना हुआ या फिर बाजार का कोई सा भी ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, पनीर खाने में जितना ज्यादा टेस्टी होगा सब्जी भी आपकी उतनी खाने में टेस्टी लगेगी। पनीर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें, पनीर आपका सॉफ्ट और ताजा होना चाहिए, पनीर खटास पर नहीं होना चाहिए। 250 ग्राम पनीर लेकर के मैं इसको स्लाइस में कट कर रही हूँ। पनीर को स्लाइस में कट करने के बाद अब मैं इसको ट्रायंगल शेप दूंगी। शाही पनीर बनाने के लिए पनीर आप कोई से भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पनीर को तिकोना शेप में कट किया। इस तरीके से आप पनीर की शेप कोई सी भी दे सकते हैं। सारे पनीर को कट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। 250 ग्राम पनीर को ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद इसको भी मैं एक प्लेट में कर रही हूँ। अगर आपका पनीर स्वाद में स्वादिष्ट है और सॉफ्ट है तो आप कोई सी पनीर की सब्जी बनाए, वह सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। अब मैं सब्जी के लिए सभी मसालों को एक जगह इकट्ठा करूंगी। इकट्ठा करने के लिए मैंने लिया एक कटोरी। कटोरी में मैं डाल रही हूँ 1 से 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। शाही पनीर खाने में कम तीखा होता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। स्वाद के लिए आप इसमें डाल सकते हैं 1/4 छोटी चम्मच से 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। साथ साथ मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक। ग्रेवी को टेस्ट करने के बाद अगर मुझे नमक की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ग्रेवी में नमक और मिलाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर नमक की क्वांटिटी कम रख रही हूँ। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच के करीब हरी सौंफ का पाउडर। हरी सौंफ से आपके पनीर की सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। मसालों का पेस्ट नहीं तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। मसालों में पानी मिलाने से मसाले अच्छे तरीके से फूल जाएंगे और ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर बनकर आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाने के बाद आप देख सकते हैं मसालों के पेस्ट की कंसिस्टेंसी इस टाइप की रखनी है। मसालों का पेस्ट नहीं तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है और नहीं बहुत ज्यादा पतला है। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी या फिर तेल, कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच छनी हुई बारीक सूजी। सूजी ग्रेवी को गाढ़ा करने का काम करती है और इसे टेक्सचर बहुत अच्छा बनकर आता है। सूजी को घी में 1/2 से 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनना है। भूनते समय सूजी का कलर सुनहरा नहीं होने देना है। सुनहरा होने से पहले ही आपको इसे बाउल में कर देना है। ये देखिए, मैंने सूजी को हल्का सा रोस्ट कर दिया है। इसको मैंने सुनहरा नहीं होने दिया है। सुनहरा होने से पहले ही मैं इसको कर रही हूँ कटोरी में। सूजी को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर 1/2 से 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है। कुछ लोग ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैदा यूज करते हैं, यहाँ पर मैं मैदा की जगह सूजी ले रही हूँ। आप इस वीडियो में आगे आगे देखना सूजी से हमारी ग्रेवी में कितना अच्छा टेक्सचर बनकर आएगा। अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप तिहाई यानी कि 40 से 50 ग्राम मावा। मावे से आपका शाही पनीर एकदम शाही जैसा बनकर तैयार होएगा। गरम कढ़ाई में मावा एकदम रोस्ट ना हो, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया था। मावे के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा। इन दोनों को डाल करके अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ और मावे और जीरे को करूंगी रोस्ट। जब तक मावा अपना घी नहीं छोड़ देता तब तक इसको रोस्ट करना है। मावे को रोस्ट करते समय मावे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, व्हाइट रहना चाहिए। 2 to 2 medium flame पर आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जैसे जैसे मावा रोस्ट होएगा जीरा भी रोस्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा मावे को रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने घी या ऑयल कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि मावे में भी अपनी चिकनाई होती है। मावे को हल्का सा रोस्ट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद मावा लूज हो गया है। इसमें जो चिकनाई थी वह चिकनाई भी अलग होनी शुरू हो गई है। मावे के हल्का सा रोस्ट होते ही अब मैं इसमें डाल दूंगी उन सभी मसालों का पेस्ट जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। मसाले के पेस्ट को डालने के बाद इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको धो करके इस पानी को भी मैं इसी में डाल दूंगी। मसाले के पेस्ट को भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए। मसालों को भूनने से मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, मसालों का जो फ्लेवर है वह भी बहुत अच्छा बनकर आएगा। लगातार चलाते हुए मसाले को रोस्ट करूंगी, रोस्ट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें वे सभी सब्जी डालूंगी जिनको मैंने कट किया था। सब्जी में फ्रेश अदरक को स्किप करके आप मसालों के पेस्ट में 1/4 छोटी चम्मच के करीब अदरक का पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। सब्जी को और मसाले के पेस्ट को करूंगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। प्याज की ग्रेवी बनाने के लिए सूजी को भूनने के बाद आपको अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके प्याज को भूनना है हल्का सा। प्याज के हल्का सा भून जाते ही तब आपको इसमें डालना है मावा। आगे के स्टेप इसी तरीके से फॉलो करने जिस तरीके से हमने करके दिखाया है आपको। ग्रेवी में होटल जैसा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से काजू। काजू आप यहाँ पर फाड़ वाले या फिर साबुत कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 से 15 फाड़ वाले काजू लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खरबूजे की गिरियाँ। खरबूजे की गिरी से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। खरबूजे की गिरी को स्किप करके आप यहाँ पर इसमें खसखस भी डाल सकते हैं। खसखस आपको 1 बड़ा चम्मच के करीब डालनी है। अब मैं इन सबको आपस में मिक्स करूंगी। मिक्स करके मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखूंगी। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए टमाटर के गलने तक इसको पकाना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक रही हूँ। गैस की फ्लेम लो रखी है। सब्जी अब बर्तन की तली पर चिपके नहीं, इसलिए आपको अपनी सब्जी को थोड़ी देर में चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं चारों तरफ ऑयल अलग हो गया है, टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुका है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चलाती रही हूँ जिससे कि सब्जियां बर्तन की तली पर चिपके नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप या फिर टमाटो प्यूरी कुछ भी ले सकते हैं। टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी से ग्रेवी में अच्छा कलर बनकर आता है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही। दही आप घर की या बाजार की कोई सी भी ले सकते हैं। दही से ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर बनकर आता है। दही के साथ साथ आपको इसमें डाल देनी है भुनी हुई सूजी जिसको हमने भून कर रखा था। ये सब डालते समय मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था। अब मैं इन सबको करूंगी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद जैसे जैसे सूजी फूलनी शुरू होएगी आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। पानी डाल करके पानी को करना है मिक्स और लगातार चलाते रहना है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और लगातार चलाते जाना है। जब तक सूजी पूरी तरह से फूल नहीं जाती तब तक पानी डालते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। पानी डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर की जो ग्रेवी है वह लूज कंसिस्टेंसी में आ गई है। सूजी जो है सूजी भी पूरी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। इसको ढक करके मैं पकाने वाली हूँ। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना जिससे कि ग्रेवी जो है वह बर्तन की तली पर चिपके ना। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं इसने अपना ऑयल पूरी तरह से छोड़ दिया है। हमारी यह मसालेदार ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। गैस को बंद करके अब मैं इसको करूंगी एक बड़े बाउल में जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ग्रेवी को ठंडा करने के लिए आप छोटा बाउल, बड़ा बाउल, कैसा भी बाउल ले सकते हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को सेम रेसिपी के साथ हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर के फ्री में देख सकते हैं। उन सभी रेसिपी को देखने के लिए आपको रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने ग्रेवी को बाउल में कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रेवी के ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको कर रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डाल करके मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी। मिक्सी में 1/2 से 1 मिनट अच्छी तरीके से घुमा करके इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। मिक्सी में घुमाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया, एकदम बारीक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं फिर से इसी कढ़ाई में डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब पानी। इस पानी में साबुत खड़े मसालों को पकाया जाएगा जिससे मसालों का ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 छोटे साइज के तेजपात। अगर बड़े साइज के तेजपात है तो 2 डालें। इसके बाद फ्लेवर के लिए आपको इसमें डालनी है बड़ी वाली इलायची 1, और साथ साथ मैं इसके साथ डाल रही हूँ 2 छोटी हरी इलायची। फ्लेवर के लिए इलायची आप दोनों डाल सकते हैं या फिर इसमें से एक स्किप कर सकते हैं। इलायचियों का हल्का सा मुंह खोल देना है। 1/2 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े मैं इसमें दालचीनी के डाल रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ 4 से 5 लौंग, और आपको लेनी है 7 से 8 साबुत काली मिर्च। साबुत खड़े मसालों को कढ़ाई में डाल करके पानी में पकाना है इसको हल्का सा। मैं इन सबको पानी के साथ मिक्स कर देती हूँ। पानी में मिक्स करके मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके पकाऊंगी। इस स्टेप को फॉलो करने से आपके साबुत खड़े मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। 1 से 2 मिनट हो गई है, साबुत खड़े मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। खुशबू भी बहुत ही अच्छी लाजवाब आ रही है। अब मैं जितने भी साबुत खड़े मसाले हैं इन सभी साबुत खड़े मसालों को कढ़ाई में से निकाल करके एक कटोरी में करूंगी। मैं इन सभी साबुत खड़े मसालों को बाद में ग्रेवी में डालने वाली हूँ।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी वाले पेस्ट को। जार में थोड़ा सा पानी डाल करके धो करके उस पानी को मैं इसी ग्रेवी में डालूंगी। मंदी आंच पर ग्रेवी को पानी के साथ करना है अच्छे तरीके से मिक्स। पानी के साथ मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं 2 बड़े चम्मच मलाई या फिर क्रीम। मलाई या क्रीम डालने से ग्रेवी में क्रीम का फ्लेवर बनकर आएगा और आपकी ग्रेवी एकदम क्रीमी सी बनकर तैयार होगी। अगर आप मलाई या क्रीम को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रीम को करना है अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करते समय अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इन सबको आपस में मिक्स कर दिया है। अब मैं लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाने वाली हूँ ढक करके। थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपनी पनीर की ग्रेवी को चलाते रहना है जिससे कि ग्रेवी बर्तन की तली पर चिपके नहीं। ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पर हमारी येलो ग्रेवी पक चुकी है। आप इसको येलो या फिर गोल्डन ग्रेवी कुछ भी कह सकते हैं। पनीर के लिए ग्रेवी पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप अपनी इस ग्रेवी को ठंडा करके फ्रोजन भी कर सकते हैं। फ्रोजन करने के लिए ग्रेवी को पूरी तरह से ठंडा करना है। एयर टाइट कंटेनर में भर के आपको इसे फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में आप इसको 5 से 6 महीने आसानी से रख सकते हैं। जब आपको शाही पनीर बनाना हो उस समय फ्रोजन ग्रेवी को फ्रीजर में से निकाल करके कढ़ाई में डालना है और पकाना है। इस टेक्सचर के साथ आपकी फिर से ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। ग्रेवी के पक जाने के बाद अब मैं ग्रेवी को टेस्ट करके इसमें नमक मिर्च का फ्लेवर चेक करूंगी। मेरी इस ग्रेवी में नमक हल्का सा कम है, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपनी ग्रेवी में टेस्ट के हिसाब से रखें। नमक को मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आपको ग्रेवी के पक जाने के बाद ही गरम मसाला पाउडर डालना है और सभी मसालों के साथ नहीं डालना है। गरम मसाले को भी करते रहना है ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के टुकड़े। थोड़ी सी आप इसमें डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी को क्रश करके। कसूरी मेथी ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालनी है। अब मैं इन दोनों को करूंगी ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स। 1/2 से 1 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ मैं इसको पकाऊंगी। पनीर डालने के बाद आपको अपने पनीर को ग्रेवी के साथ बहुत ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा पकाने से पनीर हार्ड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका पनीर हार्ड है तो आप इसमें 1/2 छोटी चम्मच विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर डालने से आपका पनीर सॉफ्ट बना रहेगा। यहाँ पर मेरा पनीर एकदम सॉफ्ट है इसलिए मैं इसमें विनेगर नहीं डाल रही हूँ। शाही पनीर के नमकीन फ्लेवर को बनाए रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच के करीब चीनी के दाने। चीनी को मिक्स करके यहाँ पर हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है। शाही पनीर के बन जाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ टेस्टी टेस्टी तड़का। बढ़िया सा तड़का लगाने से आपको अपना शाही पनीर देखने में बाजार जैसा और खाने में भी बाजार जैसा लगेगा। चीनी को कर दिया है मिक्स। अब मैं इस पर लगाने वाली हूँ शाही तड़का। शाही तड़का लगाने के लिए मैं कढ़ाई को रख रही हूँ एक साइड में। शाही तड़के के लिए पैन में डालना है आपको 1 से 2 बड़े चम्मच घी। तड़का लगाने के लिए आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। घी के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ उन सभी साबुत खड़े मसालों को जिनको मैंने पानी में पकाया था। अब मैं इन साबुत खड़े मसालों को घी में हल्का सा रोस्ट करूंगी। ग्रेवी बनाते समय शुरू में ही साबुत खड़े मसालों को घी में तलने से इतना अच्छा फ्लेवर बनकर नहीं आता जितना अच्छा फ्लेवर अब बनकर आएगा, क्योंकि पहले हमने इनको पानी में पकाया था। पानी में पकाने से जो इनका फ्लेवर था वह पानी में आ गया था। अब मैं इनको घी में भून रही हूँ। इस तरीके से डालने से आपको अपनी ग्रेवी देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। साबुत खड़े मसालों को मैंने लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भून दिया है। अब मैं कढ़ाई को फिर से रख रही हूँ गैस पर। ग्रेवी में तड़का लगाने से पहले आपको अपने तड़के वाले पैन में डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो खाने में कम तीखी होती है, कलर देने का ज्यादा काम करती है। मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को घी के साथ मिक्स करते हुए मैं इसको डालूंगी ग्रेवी के ऊपर। तड़का डाल करके इसके ऊपर मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 बड़े चम्मच हरा धनिया डालना। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तड़का डाल करके तड़के को करना हल्का सा मिक्स, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपकी टेस्टी टेस्टी शाही पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं आपको अपनी शाही पनीर की सब्जी को पास से दिखाती हूँ। पास से देखने में समझ में आएगा कि देखने में एकदम बाजार जैसी दिखाई दे रही है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं अपने शाही पनीर को करूँगी सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में करके मैं करूँगी इसकी प्लेटिंग। दोस्तों जिस तरीके से हमने शाही पनीर बनाने के लिए येलो ग्रेवी बनाकर तैयार की है, इसी तरीके से आप रेड ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेड ग्रेवी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसी तरीके से आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्रेवी बना करके सब्जियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। उन सभी सब्जियों की ग्रेवी की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। सब्जी की ग्रेवी की रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ग्रेवी के साथ शाही पनीर की सब्जी कैसी लगी। शाही पनीर की सब्जी को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से एक और न्यू फ्लेवर से बनी ग्रेवी की सब्जी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।